नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज का वीडियो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये है क्लास टेंथ का लेसन अ लेटर टू गॉड, हनी का हिंदी में सारांश। दोस्तों ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इसका जो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है लेंचो, जो इस कहानी का केंद्रीय पात्र है या फिर हीरो है। लेंचो एक बहुत ही मेहनती किसान है और अपने खेतों में मक्का की फसल लगाए बैठा है। उसका बड़ा परिवार है और फसल उसकी इस साल बहुत ही अच्छी है, बस ज़रूरत है थोड़ी सी बारिश की। काश थोड़ी सी बारिश हो जाए तो उसकी फसल और भी अच्छी हो जाए। वो ऐसा सोच ही रहा था ना कि अचानक हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। किसान उसका परिवार खुशी से झूम उठा। आप कल्पना नहीं कर सकते अगर आप किसान नहीं हैं कि आसमान से गिरती हुई पानी की बूंदें जब उसकी ज़मीन पर उसकी फसलों पर गिरती हैं तो उसकी कैफियत क्या होती है, वो कितना खुश होता है। सारा परिवार खुशी से झूम रहा था। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी और उनकी खुशियां लगातार बढ़ती जा रही थी। दोस्तों अचानक खुशियों को ग्रहण लगा और बारिश के साथ में बड़े बड़े ओले गिरने लगे। एक घंटे की ओलों की बरसात ने उसकी सारी फसल तबाह कर दी। उसके खेत में ओलों के रूप में बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे थे और मक्का की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। उस रात लेंचो को नींद नहीं आई और ना ही नींद आई उसके परिवार को। बहुत दुखी होकर उसने सुबह ये निश्चय किया, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। वो शहर जाता है, डाकखाने पे जाकर एक चिट्ठी लिखता है भगवान के नाम कि हे ईश्वर, मुझे अगले 6 महीने तक अपने परिवार के पालन पोषण के लिए और अगली फसल के लिए लगभग 100 पीसॉस, ये वहाँ की मुद्रा है, 100 पीसॉस चाहिए, कृपया करके तुरंत इन्हें भेज दें। जैसे ही ये चिट्ठी डाकिये को मिलती है वो इसे देखकर, क्योंकि इस पर एड्रेस लिखा होता है टू गॉड, बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है और वो सीधे पोस्टमास्टर के पास पहुँचता है। पोस्टमास्टर जब चिट्ठी को देखता है तो खोल के पढ़ता है। पहले तो वो जोर से हंसता है, फिर एकदम सीरियस हो जाता है, संजीदा हो जाता है और कहता है कि आखिर इतना विश्वास और भरोसा कोई इंसान कहाँ से ला सकता है कि सीधे गॉड को ही लेटर लिख दिया। वो चाहता है कि इस भरोसे की पड़ताल की जाए, जाँच की जाए, लेकिन इस भरोसे की जाँच करने के लिए ज़रूरी था पैसे इकट्ठे करना। वो अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा देता है और बाकी लोगों से भी कहता है और इस तरह वह 70 पीसॉस की रकम एक लिफाफे में रखकर डाकखाने में डाल देता है। अगले संडे को जब लेंचो वहाँ पहुँचता है और लिफाफे को खोलकर पैसे गिनता है, उसके चेहरे पर गुस्से के भाव होते हैं। वो फिर एक लेटर लिखता है कि हे ईश्वर, आपने बहुत अच्छा किया, मेरी मदद की, लेकिन अभी मेरी ज़रूरत पूरी नहीं हुई है, कृपया करके बाकी की रकम मुझे जल्दी से जल्दी भेज दें, लेकिन इस बार डाक के ज़रिए ना भेजें क्योंकि डाकखाने में काम करने वाले लोग बेईमान हैं। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें राइटर ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस इंसान को ईश्वर में भरोसा है या जिसे भी ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर में आस्था है, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो कभी ये मान ही नहीं सकता कि भगवान उसकी सुनते नहीं। और देखा जाए तो इस लेसन में भी भगवान ने उसकी सुनी, जैसा कि हमें पता है, ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर हम सबके पास खुद नहीं आ सकते, वो फरिश्तों को भेजते हैं या फिर उनकी शक्ल में आते हैं। यहाँ भी पोस्टमास्टर ऐसे ही एक एंजल के रूप में आकर लेंचो की हेल्प करता है। है ना कहानी इंटरेस्टिंग दोस्तों? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो और अच्छा लगा हो इसका अंदाज, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें संजीव गोस्वामी।